थोड़ा सा पहले सेशन के बारे में बता दीजिए कि क्या हुआ सेशन के अंदर। बेसिकली थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पर आए, आज हमारे MFI फिल्म एंड टीवी स्टूडियो में आए हैं और आप सभी मीडिया वालों का शुक्रिया है तहे दिल से। आज हम लोग बेसिकली हमारा ये वेब सीरीज है पंच रत्न, जो कि ये OTT पे चल रहा है। ये बेसिकली ये पहला ऐसा वेब सीरीज है जो कि हम लोग रिलीज कर रहे हैं एपिसोड वाइज। एपिसोड वन रिलीज किया है, उसको हमने बनाया रिलीज किया, सेकेंड एपिसोड बनाया रिलीज किया, फिर थर्ड की शूटिंग पूरी की। इस एपिसोड में ये गाना हमने लॉन्च किया इश्क बाजिया, आप देख रहे हैं पीछे ये बैनर है और इस गाने की जो मेन लीड फेस है यहाँ पर है एलिना जी और ट्विंकल जी हैं मेरे इस तरफ, जो कि इस वेब सीरीज में एक वाइटल रोल में नजर आ रही हैं और हमारे MFI इंस्टीट्यूट की टैलेंट मैनेजर भी हैं। तो अभी हम लोगों ने मस्ती किया इस गाने को, आज 10 से 12 दिन हुए हैं और लगभग 2 लाख प्लस व्यू आए हैं इस गाने पे, और इसे रिलीज किया है मन म्यूजिक एंटरटेनमेंट ने और इसे हंगामा म्यूजिक के जरिए डिजिटली ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसको रिलीज किया गया है। तो थैंकफुल टू माय ऑल माय ऑडियंस, MFI अचीवर्स, माय पेरेंट्स, एवरीवन। सर MFI बहुत सालों से आप देख रहे हैं कि हर स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हैं एज एन एक्टर, तो क्या कहना चाहेंगे सर सबसे पहले MFI के बारे में, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए कैसे शुरुआत हुई और कैसे मतलब यहाँ तक पहुंचे आप। एक्चुअली अगर हम कहानी की बात करें तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो मैं खुद एज एन एक्टर करीब 4-5 साल स्ट्रगल किया और मैंने कई सारे शोज भी किए, टीवी शोज किए, जुड़े बंडे किए, बहुत सारे बालाजी के भी सीरियल्स किए, और तब मैंने ये महसूस किया कि ये टुडे वनडे करके मज़ा नहीं आ रहा है और जो हम करने बॉम्बे आए थे वो कर नहीं पा रहे हैं, लोग सही से बात भी नहीं कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल हो रहा है, ऑडिशंस भी लेना मुश्किल हो रहा है देना, तो हमें जो करना है अपने चॉइस का रोल वो कैसे करें। और कहीं भी जाओ तो कहते हैं कि आपने पहले कुछ किया है बड़ा तो बड़ा मिलेगा, तो इसे प्लान करते हुए हमने कहा कि कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो मैंने फिर ये MFI फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट का हम लोगों ने मैंने ये शुरुआत किया एज एन एक्टिंग इंस्टीट्यूट। पहले मैंने आज से 18 साल करीब पहले हमने शुरुआत किया थिएटर ग्रुप से और धीरे धीरे फिर हम लोगों ने 2005 में मैंने पहला मेरा बैच शुरू किया पटना में, और पटना में हम लोग लगभग 10 बैच करने के बाद बॉम्बे में हम लोग फुल टाइम इस इंस्टीट्यूट को रन किए और हमने मैंने अपने MFI इंस्टीट्यूट के बैनर तले हमने ये प्लान किया कि हर एक एक्टर को एक बार अपने ट्रेनिंग के बाद उनको पहला मौका मिलना चाहिए। और ये मेरा पैशन था कि जो तकलीफ जो दर्द मैंने देखा था एज एन एक्टर उस दौरान 4-5 साल, तो वो तकलीफ और दर्द को समझते हुए मैंने कहा कि एटलीस्ट अगर हमारे एक्टर को पहला मौका मिल जाता है तो उसके बाद उनके प्रोफाइल में वो वर्क लिंक जुड़ जाता है ताकि उन्हें अगला काम मिलने में आसानी हो और कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स उनको और सीरियसली ले कि हाँ ये एक्टर है, उनको पर डे पे करें। तो उस दौरान हम लोगों ने शुरुआत की, कई सारे फिल्म बनाई, हिंदी फिल्म, रीजनल फिल्म, मराठी फिल्म, बंगाली फिल्म, और करते करते आज करीब हम लोगों ने मेरा अभी 82 नंबर का बैच अभी शुरू होने वाला है इस महीने 15 से कल से, और मेरा लगभग मैंने 15-16 फिल्म बनाई और अभी मेरा ये प्रोजेक्ट है पंचरत्न वेब सीरीज है, इसको मैं अभी शूटिंग कर रहा हूँ और हर एपिसोड में लगभग 12 से 15 एक्टर लेता हूँ और उस अपने एपिसोड में 15-16 एक्टर्स के साथ साथ कुछ इस तरह के जो नोन और फेस हैं लेता हूँ ताकि हमारे एक्टरों को प्रोत्साहन मिले और हमें भी इस तरह के एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिले ताकि हमारे ब्रांड बने हमारे एपिसोड्स के वेब सीरीज के। एलिना आपसे जानना चाहूँगा इश्क बाजिया के बारे में बताइए, कैसे ऑन बोर्ड आए और हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन दिस। एक्चुअली मधु जी से हमारे काफी टाइम से बात चल रही थी, मैं उनकी सेकंड एपिसोड के लिए सिलेक्ट हुई थी, वो चाहते थे कि मैं उनके साथ काम करूं, बट अनफॉर्चुनेटली वो डेज क्लैश हुए थे, तो उन्होंने बोला कि सेकंड मिली तो थर्ड में ज़रूर काम करूंगी, और क्योंकि उनको पता था कि मैं बहुत अच्छी डांसर हूं, तो उन्होंने ये प्लान किया कि स्पेशली मेरे लिए उन्होंने ये गाना बनाया, तो गाना तो अमेजिंग है, आई होप आपने सुना ही होगा, आई जस्ट लव इट। और फ्रेंकली स्पीकिंग मैं पैशनेट डांसर हूँ, बट एज ए डांसर मुझे ज़्यादा अपने आप को दिखाने का मौका नहीं मिलता,
जाता है, बट डांस का मौका मुझे बहुत कम मिलता है. सो आई वॉज वेरी हैप्पी और मैंने हाँ बोल दिया. राइट सर ने कहा कि अच्छा डांस तो किया ही है, लेकिन आपने कुछ किरदार भी निभाया, अगर उस किरदार के बारे में बताया जो पंचरत्न वेब सीरीज है उसमें, अगर उस बारे में कुछ. वो थोड़ा नेगेटिव शेड कैरेक्टर है और मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी बिकॉज फिर आपको देखने में मजा नहीं आएगा. आने वाला भी है अगले हफ्ते, अगले पता चलेगा कि क्या है एग्जैक्टली. बट हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टोरी जो है वो उस कैरेक्टर में मतलब उस कैरेक्टर के ऊपर ही है. नहीं कह सकते कि सिर्फ उसके बारे में, बट इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर. और बट कैरेक्टर से ज्यादा मैं एक्साइटेड थी सॉन्ग के लिए. राइट ऑल्सो ट्विंकल जी थोड़ा सा अगर बताया कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, फर्स्ट एपिसोड रिलीज हो चुका है, थोड़ा सा अगर बताया. और सर जिस तरह का चांस देते हैं स्टूडेंट्स को, और आप तो दो दो रोल में है यहाँ पर, कितना चैलेंजिंग रहता है, और अगर कुछ कहना चाहें. बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है. बिकॉज जैसे मनोज महेश्वर सर जैसे अगर गुरु मिल जाए सबको, तो ऑफकोर्स प्रेशर और एस्पायरिंग और जो अपकमिंग टैलेंट्स हैं उनको आगे बढ़ने का ज़रूर 100% चांस मिलता ही मिलता है. क्योंकि सर की एक खूबी है कि कोई भी आर्टिस्ट को ये कहाँ पे कौन से कैरेक्टर में प्लेस करना है ये इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है सर को. तो जैसे कि आपने पूछा कि फर्स्ट एपिसोड के साथ हमारे दो एपिसोड्स ऑलरेडी रिलीज हुए हैं एंड हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और अभी जो थर्ड एपिसोड आने वाला है उसी का पार्ट है ये सॉन्ग इश्कबाजी. तो यही दो एपिसोड्स के बाद आपको और भी अच्छे कैरेक्टर्स और भी अच्छे फ्रेशर एक्टर्स भी थर्ड एपिसोड में देखने को मिलेगी अलीना जी के साथ. तो यही है. और अगर आप मेरे कैरेक्टर का पूछ रहे हैं तो सेकेंड एपिसोड में तो मैंने लेडी बॉस का रोल निभाया था, एंड थर्ड एपिसोड में जैसे एलिना जी ने बताया तो उन्हीं के साथ में मेरा एक रोल रहा है, सीन हमने किया है साथ में. तो वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है जो आप देखेंगे तो जरूर एंजॉय करेंगे, पहले से हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते. और एपिसोड का नाम भी दिया गया है ब्लैकमेल. जैसे फर्स्ट एपिसोड हमारा था पंचरत्न, उसका नाम था इश्क विश्क. सेकेंड का हमने नाम रखा था पंचरत्न सरेंडर, और ये थर्ड पंचरत्न एपिसोड है जिसका नाम है ब्लैकमेल. तो काफी अच्छी सीरीज है और काफी अच्छा रिस्पांस है. सर आपसे जानना चाहूंगा पंचरत्न के बारे में बताइए, अभी जो है बैक टू बैक एपिसोड्स रिलीज हो रहे हैं, अगर कुछ बताएं कि किस तरह की सीरीज है. ऑलरेडी हमने सुन तो लिया है कि नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, लेकिन अगर थोड़ा सा बताएं हमारी ऑडियंस को ताकि. एक्चुअली क्या है ना, मैं सर अपने MFI बैनर के तहत जो बनाता हूं प्रोजेक्ट, मैं ये कोशिश करता हूं कि मेरे पास जो इस समय बैचेस चल रहे हैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट में, मैं उनके किरदारों को देख करके उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका चाल ढाल और उनका जो लुक्स देख करके मैं प्लान करता हूँ कि मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं मैं उनको ले पाऊँ. तो मैं इसीलिए चूँकि हम लोगों ने फिल्म बहुत बनाया, फिल्म शॉर्ट फिल्म म्यूजिक वीडियोस, लेकिन हमारी कंपनी की ये वेब सीरीज पहली है, तो हमने ये प्लान किया कि आज ज़माना OTT का है और बहुत अट्रैक्शन है वेब सीरीज के, तो हमने कहा कि ना प्लान किया जाए, तो हमने ये पहला प्लान किया वेब सीरीज, नाम पंचरत्न है. पंच इसलिए कि नंबर 5 लकी है मेरे लिए. इस कंपनी की शुरुआत भी हुई थी 5 अप्रैल 2005 में, और 2005 था वो 5 अप्रैल. तो मैंने कहा कि लास्ट ईयर शुरू किया हम लोगों ने पंचरत्न, तो बस ऐसे ही मेरी वाइफ जो रितु जो मेरे लिए बहुत लकी है और मेरे कंपनी को उन्होंने खड़ा करने में मेरी बहुत हेल्प की सपोर्ट की, उन्होंने हम दोनों ने मिलकर के ये प्लान किया कि इसका नाम बहुत प्लानिंग किया गया, तो मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर के इसको प्लान किया कि इसका नाम रखे पंचरत्न, ताकि हम लोग हर एपिसोड में अपने 5 जो है अच्छे उभरते कलाकारों को मौका दे पाए और उसको एक कहानी भी बना पाए, स्टोरीज में थ्रिल हो, ड्रामा हो, रोमांस हो, गाने हो, बिकॉज आज के इस दौर में लोगों को चाहिए क्या, लोग इतने आज के डेट में स्ट्रेस में रहते हैं, उनको चाहिए कुछ मनोरंजन मिले, उनको देखने के बाद टेंशन ना मिले. अभी हमने ये प्लान किया कि इस एपिसोड को रिलीज करने के पहले हमने गाना रिलीज किया इश्कबाजिया, एंड बिलीव मी ये 2023 का इस साल का ये पहला सॉन्ग है, दिस इज द फर्स्ट बॉलीवुड सॉन्ग रिलीज इन दिस ईयर. तो इस सॉन्ग को इतना ज्यादा प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला कि 10 दिन में 2,00,000+ व्यू और व्यू लगातार जा रहे हैं. इसीलिए मुझे आप लोगों से मिलने का मन था कि ये बात लोगों तक पहुंचे कि
सिर्फ स्टार या फिर स्टार सिंगर होने से ही गाना या फिल्म चलती नहीं है। अगर आपके कंटेंट में दम है, गाने में दम है, म्यूजिक में दम है, तो वो कोई भी आर्टिस्ट हो, अगर मन से निभाया है और इस गाने को परफॉर्म इतने मन से किया है अंजना जी ने कि इन्होंने जान डाल दिया। हम लोगों ने बहुत कम टाइम में गाना शूट किया और ये गाना आज रियली में वी आर वेरी हैप्पी कि ये गाना आज प्राउड फील होता है कि गाना आज इतना बड़ा हम लोगों ने हिट देखा होते हुए। तो आई एम वेरी हैप्पी। सर नया साल आ गया, अब आगे क्या क्या प्लान्स है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है, अगर उस बारे में कुछ बताए। पंचरत्न तो अभी और करीब 6 एपिसोड बचे हुए हैं करने के लिए। हम लोग अभी शूटिंग लगातार कर रहे हैं, अभी जो हमारा बैच चल रहा है उसको लेकर के हम लोग अभी अगले महीने शूट करेंगे एपिसोड नंबर 4। तो हर महीने हम लोग शूट करते हैं एपिसोड। और इसके अलावा इस साल हमारी 2 फिल्में हैं, पिक्चर फिल्म है जो लाइंड अप है, पाइपलाइन में है, और कई सारे गाने हैं। इस साल मेरी म्यूजिक कंपनी है मन म्यूजिक एंटरटेनमेंट, उसके लिए मुझे कई सारे गाने बनाने हैं और हमने शुरुआत कर दिया है पहले गाने से, इश्क बाजिया से, और गाने को अच्छा काम मिल रहा है। और इस साल हमारा एक टारगेट ये है कि मैं भूल जाऊंगा शायद, कि इस साल सबसे मेन मुद्दा ये है कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों ने शुरू किया है, इसका नाम है इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार्स। ये एक टैलेंट हंट प्रोग्राम है जहाँ से मैं इस साल लगभग 100 टैलेंटेड एक्टर सिंगर्स को हमारी कंपनी, हमारी टीम चुन रही है और उनको लेकर के हम आने वाले समय में फिल्में बनाने जा रहे हैं। तो ये एक टैलेंट प्रोग्राम है जो OTT पे आएगा, ये एक नया काम शुरू हुआ है और 2 फिल्में हैं। और आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस देख रही है, जो स्टूडेंट्स जो एक्टिंग करना चाहते हैं इन फ्यूचर, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपके द्वारा? जो हमारे ऑडियंस गण है, आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे इस सॉन्ग इश्क बाजिया को इतना सपोर्ट दिया, प्यार दिया, कितना भी कहो कम है, और आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि वाकई में एक्टर कोई भी हो, तो अब तो खैर ये जग जाहिर है कि अगर प्रोडक्शन में दम है, कंटेंट में दम है, तो ऑडियंस उसे कबूल करती है, एक्सेप्ट करती है, एंजॉय करती है, और थैंक यू सो मच। और जो हमारे अपकमिंग टैलेंट्स हैं, एक्टर सिंगर और जिसे भी बनना है, जिसको आना है दुनिया में, मैं देखता हूँ मुझे हर रोज हर हफ्ते फोन आते हैं बहुत सारे ऐसे लोगों के मन में अभी भी है गलत फहमियाँ हैं कि ये लाइन में ऐसा होता है वैसा होता है, गलत लोग है, फ्रॉड है, फेक है। देखिए हर जगह फ्रॉड है, फेक है, हर लाइन में है। ये लाइन इसलिए बदनाम हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी अभी कई सारे घटनाएं ऐसे हुए हैं लगातार 2 साल में, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो ट्रोल हो जाते हैं कुछ बोलने से। लेकिन सच्चाई क्या है कि ये भी एक उद्योग है, ये भी एक इंडस्ट्री है जहाँ पे आप किसी भी तरह से, जैसे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, MBA करते हैं या कहीं बैंक में काम करते हैं, ये भी उद्योग है और यहाँ पर बहुत सिस्टमेटिकली काम होता है। अगर आपके अंदर हुनर है, अगर आप सीखे हुए कलाकार हैं, तो बिलीव मी यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको टाइम नहीं है फालतूगिरी करने के लिए। तो आप लोग प्लीज किसी को बदनाम ना करें ऐसे ही। ये बॉलीवुड बहुत प्यारा इंडस्ट्री है और इस बॉलीवुड से बहुत सारे नए नए एक्टर्स, समर नवाज जी, पंकज त्रिपाठी जी, शाहरुख खान, अक्षय कुमार जी, जो कि बिल्कुल बिना की सपोर्ट के आए हैं और आज वो रॉक कर रहे हैं। तो प्लीज हम चाहते हैं कि आप लोग नए कलाकार अपने यहाँ पर भरोसा करें, बिलीव इन योर सेल्फ, और यहाँ पर बहुत काम बढ़ गया है, आप लोग आइए, सीखिए और काम कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मंजीत कनौजिया है और मैंने एपिसोड 3 में काम किया है और उसमें मुझे रोल मिला था आशीष। कैसा एक्सपीरियंस रहा? आशीष का रोल करने में बहुत मजा आया, एक्चुअली जैसे कॉमेडी भी कर रहा था और मतलब सिचुएशन हार्ड है तो उसके बारे में भी बातें कर रहा था और लाइक फ्रेंड को समझाना था और मस्ती मजा भी था उसमें। आप बताइए अपना नाम, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं कुशांग संघवी, द कैरेक्टर व्हिच आई प्लेड वाज विशाल, और मुझे बहुत मजा आया काम करके पंचरत्न एपिसोड नंबर 3। ऐसे बढ़िया टीम थी मेरी, मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे भाई है, सब मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था हम लोग पिकनिक पे आए हैं। मजा किया, मनोज सर थे, पूरी टीम इतनी बढ़िया थी कि बहुत मजा आ गया। 3 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला, बहुत बड़े एक्सपीरियंस रहा। और मैंने कैरेक्टर प्ले किया था विशाल, जो एकदम फन लविंग एंजॉयबल कैरेक्टर था और बहुत हंसे खेले, मजा किया, ढेर सारा खाना खाया।
बहुत मजा किया है पूरे एपिसोड में और शूट करते हैं। नयनी आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस था। हाय माय नेम इज नयनी, मैं पंचरत्न एपिसोड 2 में एज ए लीड का कैरेक्टर किया जिसका नाम था निधि, कैरेक्टर का नाम एपिसोड का नाम था सरेंडर। तो हमारा भी 3 डेज का शूट था मराइल में, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही नया एंड इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही एंजॉय किया, थैंक यू, सबको अच्छा लगे। आई एम परम सिटी और मैंने पंचरत्न 3 वेब सीरीज में काम किया और उसमें मैंने वीर का कैरेक्टर किया है। वीर ऐसा है कि वो सबके हेल्प करता है, मतलब उसमें बहुत क्लेवर बंदा बताया उसको, और जिस ये पंचरत्न जो भी है इनकी जो भी कुछ प्रॉब्लम होती थी वो वीर के पास ही आता था और वीर ही वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। तो जो वो काम किया है ना मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये पहला काम है और ये पहला प्लेटफॉर्म मेरे लिए, तो काम करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। वीर अपना फायर ब्रिगेड है मेहता साहब, जो भी हल है ना लोग के पास, इसके पास सब सलूशन होता ही है। हाय माय नेम इज सनी यादव, मेरा कैरेक्टर था ध्रुव का, एक हेल्पिंग फ्रेंड, वैसे हम लोग रियल लाइफ में भी फ्रेंड है, कैरेक्टर भी हम लोग का एक फ्रेंड का ही था, क्लोज फ्रेंड, तो काफी अच्छा कैरेक्टर था और कैरेक्टर में भी वो रियल कैरेक्टर दिख रहा था जो कि हम लोग रियली है एक्चुअली, वो कैरेक्टर उसी के बेस्ट पे था, तो काफी मजा आया करके, ऐसा लगा ही नहीं कि वो सेट पे है, और सारा जो डायलॉग था एवरीथिंग बहुत इंटरेस्टिंग था, काफी अच्छा रहा, आई होप ये काफी अच्छा फिट भी हुआ है पंचरत्न 3। Hi, my name is Adnan Soyate and character which I am playing is Atul. Atul ये क्या होता है कि problem से फंसता है mostly, like fun loving person है, parties में जाना पसंद करता है, तो problem से फंसता है तो वीर उसका solution निकालता है, तो ये character दिया। बाकी जो काम किया था बहुत अच्छा किया और जो parties थी या फिर जो acting थी वैसे तो like normal जैसे हम लोग बात करते हैं normal वैसे ही play थे। कैसा experience रहा पूरी team के साथ? टीम भी सब लाइक काफ़ी अच्छा लग रहा है, कोऑर्डिनेट थे, बाद में मजाक भी करते थे और फिर जो भी था लाइक जो टाइम पास हो रहा था लाइक ऑफ कैमरा, तो भी ऐसे मिलजुल के रहते थे।